आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से नए राशन कार्ड व पीडीएस अनुज्ञप्ति वितरण समारोह का आयोजन दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में किया गया, जिसमें दरभंगा के जिलाधिकारी सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। पटना से वेबकास्टिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर लाभुकों के बीच नए राशन कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की लाभकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए आज से हम लोग राशन कार्ड का वितरण कर रहे हैं। कुल 7,451 राशन कार्ड बनकर तैयार है, जो आज से लाभुकों के बीच वितरण शुरू हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 90,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका जाँच पड़ताल किया जा रहा है, और अभी तक 15,000 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत हुआ है, जिसका राशन कार्ड बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों का प्रयास है जितना भी आवेदन आया है सभी को 15 अगस्त तक उपलब्ध करा दें। 7,451 लोगों को अभी तक तैयार करके राशन कार्ड हम लोगों ने रखा है, जो वितरण हो रहा है, आज से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो आवेदन आया है, लगभग 90,000 आवेदन आया है सभी प्रखंडों में मिला करके, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, और अभी तक लगभग 15,000 आवेदन स्वीकृत हुआ है जिसका कि राशन कार्ड बनाया जाना है। उसमें से हम लोगों ने अभी आज 7,451 बनवा के दिया है, शेष प्रोसेस में है। उद्देश्य है कि जितना आवेदन आया हम लोग 15 अगस्त तक सभी लोगों को उपलब्ध करा दें। दूसरा इसमें कार्यक्रम में आज के था कि अनुज्ञप्ति देना है नई, ये हम लोग पहले ही 587 लोगों को दे चुके हैं, चयन करके वितरण किया चुका है, और प्रतीकात्मक रूप से आज एक लोगों को यहाँ अनुज्ञप्ति दिया गया। 1 अगस्त को 69वां वन महोत्सव के अवसर पर एमएलएसएम कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डीएम चंद्रशेखर सिंह शिरकत करेंगे तथा वृक्षारोपण किया जाएगा। यह जानकारी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राम कुमार झा ने दी। 1 अगस्त को 69वां वन महोत्सव के अवसर पर एमएलएसएम कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर डीएम चंद्रशेखर सिंह शिरकत करेंगे तथा वृक्षारोपण किया जाएगा। यह जानकारी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राम कुमार झा ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 लाख से अधिक वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिले में एमएलएसएम कॉलेज में वन महोत्सव का मुख्य समारोह आयोजित कर रहे हैं 1 अगस्त को। ये 69वां वन महोत्सव है, सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में इसको आयोजित किया जा रहा है। कल जो वन महोत्सव होगा उसके मुख्य अतिथि दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह रहेंगे। कल दिन में 1 तारीख को दिन में 12:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जो स्थल है, स्थल में पानी वगैरह की समस्या को देखते हुए जितना रिक्त स्थल होगा, रिक्त स्थान होगा, उसमें अच्छा स्पेसिंग देके हम लोग अच्छे पौधे लगा देंगे। डीएमसीएच में पेपरलेस की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। डीएमसीएच उपाधीक्षक डॉक्टर मणि भूषण शर्मा ने कहा कि अगस्त माह तक तैयारी पूरी कर ली जाएगी और सितंबर माह से पूरा कार्य बिना पेपर का होगा। डीएमसीएच में पेपरलेस की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। डीएमसीएच उपाधीक्षक डॉक्टर मणि भूषण शर्मा ने कहा कि अगस्त माह तक तैयारी पूरी कर ली जाएगी और सितंबर माह से पूरा कार्य बिना पेपर का होगा। पहले बहुत प्रोसेस था, हर विभाग में अलग बिल बनना, मैसेंजर ट्रेजरी ले जाना, फिर वहाँ ऑब्जेक्शन होना, फिर कंप्लायंस करना ड्यूरिंग डिस्पर्सिंग से। इस सारी व्यवस्था को खत्म करके पेपरलेस चाहे कम्प्रिहेंसिव फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वित्त विभाग से गाइड होगा। अलॉटमेंट डायरेक्ट ड्रॉइंग पर्सन के यहाँ आएगा, एक उसमें अप्रूवर होंगे, एक मेकर होंगे, किरानी एक चेकर होंगे और एक अप्रूवर होंगे। अप्रूवर DDO होंगे, मेकर किरानी लेवल पर हो सकते हैं, चेकर भी अकाउंटेंट लेवल पर होंगे, और सारा कंप्यूटराइज्ड होगा। कितना अलॉटमेंट है हमारे पास देख रहे हैं, किसको हमको कितना वेतन देना है सब है? और उसी को उसमें डालकर
मैंने एक और क्लिक कर देना है अपना, वो चला जाएगा ट्रेजरी में, ट्रेजरी उसको फिर अपना कंप्रिहेंसिव करके अपना देख लेगा, जो सही है ओके कर देगा, आप खाता में बेनिफिशियरी का पैसा चला जाएगा। तो सर इस योजना को आने से सर कितना लाभ होगा सर इसका? बहुत लाभ है। एक तो प्रोसेस खत्म हो गया आने जाने का, ट्रेजरी का जो चक्कर रहता है मैसेंजर का, जो बिल बुक ले जाना, ये सब ले जाना, यहाँ तक कि आगे कैश बुक का भी उसमें, अभी जो कैश बुक का, उसके बाद बराबर सुनते होइएगा जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे, वकील के थ्रू जो भरवाया जाता था, हम लोग ट्रेजरी में कटवा देते थे बेनिफिशियरी का, और वहाँ होता था जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया त्रिमासिक क्वार्टरली, उस सब कॉलम उसमें रहेगा। इसी से हम लोग कह दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देख लेगा जो इन्होंने इनकम टैक्स सबका काटा है, सारा सुविधा एक वन विंडो होता है ना, एक ही जगह बैठकर स्थापना में सारे विभाग का, इनकम टैक्स का, ट्रेजरी का, फिनांस का, सब लोग ओपन देख लेगा जो हाँ क्या हम भेजे हैं, किसको क्या मिला है, नए नए जैसे कॉन्ट्रैक्टर को देना है उसका भी जनरेट करना है नाम, उसका आधार कार्ड जो है सब उसी में रहेगा। कितने दिन में सर ये डीएमसीएस में? डीएमसीएस नहीं, पूरे बिहार में एक साथ लागू होगा। ये तो हम लोग को समय दिया जा रहा है, पहले था जो मार्च से शुरू होना है, अभी हर जगह कंप्यूटर आवेगा माने अभी व्यवस्था सब नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं तो यानी एकाध दो महीने में जरूर, जो कह रहे हैं जो अगस्त के बाद तो कोई चांस हम लोग को नहीं है, ये पेपर वाला काम होना चाहिए। दरभंगा में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से बचाव की तैयारी की जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसकी समीक्षा की गई। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ से बचाव तथा इसके लिए की जा रही तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समीक्षा की गई। दरभंगा प्रमंडल क्षेत्र तथा जिले में इसके बचाव के लिए अब तक की गई तैयारियों के बारे में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरवरे एवं जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा विस्तार से बताया गया। संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में वैकल्पिक फसल के लिए की जा रही व्यवस्था, डीजल अनुदान वितरण आदि के लिए अब तक की गई तैयारियों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया। मुख्यमंत्री से प्राप्त सुझाव के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी ने फसल अच्छादन वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया। उन्होंने संभावित अधिकारियों से कहा कि प्रतिदिन होने वाले वर्षपात का नियमित रूप से अनुश्रवण करें एवं डीजल अनुदान वितरण पर भी विशेष ध्यान दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। 2018 की मैट्रिक परीक्षा में दरभंगा से पुष्पांजलि पंडित 396 अंक प्राप्त की है। इस अवसर पर दैनिक भास्कर की तरफ से उसके पुरस्कृत किया जा चुका है। पुष्पांजलि प्लस टू राम सिंघाली कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा है और अयारी चरणों की रहने वाली है। जहां लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं, वहीं संस्कार का मान देने वाली पुष्पांजलि संस्कृत से प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। दरभंगा से पुष्पांजलि पंडित 396 अंक प्राप्त की है। इस अवसर पर दैनिक भास्कर की तरफ से उसके पुरस्कृत किया जा चुका है। पुष्पांजलि प्लस टू राम सिंघाली कन्या उच्च विद्यालय की छात्रा है और अयारी चरणों की रहने वाली है। जहां लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं, वहीं संस्कार का मान देने वाली पुष्पांजलि संस्कृत से प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। मुझे 396 अंक प्राप्त हुए हैं, मैं प्लस टू राम सिंघाली कन्या उच्च विद्यालय। मेरे मेहनत में मेरे नाना जी, मेरी नानी, मेरे तीनों मामा जी और मामियों का सहयोग रहा है और मेरे गुरुजनों का भी सहयोग रहा है। उन लोगों के बताए रास्ते पे चल के और मेरे मम्मी पिताजी के बताए रास्ते पे चलती हूँ आज। तो मैं आगे संस्कृत से पढ़ना चाहती हूँ। हम संस्कृत के प्रोफेसर बनना नहीं, मुझे लड़की होने पे कोई नहीं है। लड़की हुई तो क्या हुआ? मेरे मम्मी पिताजी कभी मुझे लड़कों से कम नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि मेरी बेटी भी वो सारे काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि लड़की हो तो मुझे पढ़ने में कोई परेशानी। दरभंगा में
ओरिएंटल बैंक एटीएम से महिला के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया है। एटीएम से पैसा निकालने के दौरान की गई कार्ड की हेरा फेरी, फ्रॉडों ने पैसा निकालने की घटना को दिया अंजाम। दरभंगा में ओरिएंटल बैंक एटीएम से महिला के साथ फ्रॉड का मामला सामने आया है। एटीएम से पैसा निकालने के दौरान की गई कार्ड की हेरा फेरी, फ्रॉडों ने पैसा निकालने की घटना को दिया अंजाम। विभा कुमारी ओरिएंटल बैंक के पास एटीएम के पास गए 24 तारीख को 11:15 बजे था। हम गए पैसा निकालने के लिए, 50,800 रुपया था मेरे अकाउंट में। हम एटीएम से गए निकालने के लिए, तो पीछे दो सिस्टर थी, लेकिन हमको चेक किए तो हमको पीछे 5-4 लड़का खड़ा था। हम तो पूछे लाइन में है, लेकिन हमको बोला क्या ऐसे पूरा साइड हो गया। हम चेक किए तो हमको स्क्रीन पर दिखा गया 50,800 रुपया। तो बोला क्या सिस्टर थोड़ा साइड होइए, हम अपना चेक कर लेते हैं, तब आप अपना निकालिए। तो हम बोले नहीं, हमको निकालने दीजिए। तो नहीं, साइड कर दिए, वो अपना कार्ड डाले और कार्ड डालने के बाद निकाल लिया। फिर हमको हम बोले हमको निकालने दीजिए, तो हम डाले कार्ड। बोले क्या नहीं, ऐसे नहीं डालिए, ऐसे करके डालिए। उसी समय हमसे कार्ड चेंज कर दिया, हमको पता नहीं चला। इसलिए हम वहाँ पी बोला नहीं, हम अपना पैसा निकालेंगे तब हम सर लेंगे। तो वो बोला नहीं, ऐसे करके नहीं, ऐसे सिस्टर लगाइए। हम बूझे वो हेल्प कर रहा है, लेकिन हमको एटीएम चेंज कर दिए। हम नहीं समझे एटीएम चेंज हो गया। 3 रोज तक हम एटीएम को डालते और नाम उस पर नहीं देखा, मेरा नाम है कि नहीं है। ये गलती तो मेरा हुआ, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। और 26 तारीख को हम आपको डेट जो कराए 5 को, तब हमको समझ आया कि से सब पैसा निकल गया है। नहीं, 26 तारीख को शाम में 5 बजे हम गए ओरिएंटल बैंक में, कैमरा खुलवा करके देखे तो कैमरा में स्पष्ट दिखा रहा है 2 लड़का। एक लड़का फोन से बात कर रहा है, एक लड़का मेरे से चेंज कर रहा है, 2 सिस्टर थी। उसके बाद से हम देख लिए, तो हम क्या करेंगे। तब तो थाना जाने का टाइम नहीं था, तो हम कल करके 27 तारीख को हम थाना गए। थाना में हम अप्लीकेशन भी करके बोले, तो बोले यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो आप बाबू ऐसा ऐसा काम बहुत होता है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, इससे ये सब से पैसा नहीं मिलने वाला है। तो हम फिर आज 30 तारीख को गए थाना में। बोले कैसे, सुनिए सर, हमको क्या हुआ है, एफ आर आई का कुछ दीजिए किसी को। तो बोले नहीं, अभी नहीं हुआ है सिस्टर, कुछ नहीं होने वाला है ये सब करने से, आप जाइएगा साथ में। हम बोले चलिए सर, हम दिखाते हैं कैमरा ऑन करके, कैमरा में है। तो बोला नहीं, वो बात नहीं है, आप जाइएगा, हम जो जाएंगे खोजने के लिए, हम कहाँ खोजेंगे, आप जाइएगा मेरे साथ लड़का फेस देखने के लिए। ये सब बात बताया तो हम वहाँ से चल आए और हम यहाँ लेकर के आए अप्लीकेशन। तो यहाँ टाइम नहीं था, तो आज क्या आए हैं? क्या चीज़ के लिए? यही एप्लीकेशन जमा करने के लिए, वहाँ नहीं काम हुआ था, यहाँ हुआ है, लेकिन नहीं हुआ। कल 3 बजे एलएनएमयू के नरगोना पैलेस के डांस हॉल में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद और हमारा समय विषय सेमिनार आयोजित की गई। सी टीवी मिथिला के पूरे टीम के साथ विदा लेती हूँ, नमस्कार। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पता BMP 13 सोनकी रोड दरभंगा, एवं दूसरा पता सत्संग नगर भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। यहाँ कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, डांस, म्यूजिक, खेल, ट्रांसपोर्ट, पीने योग्य पानी और CCTV कैमरे की व्यवस्था है। यहाँ हॉस्टल की सुसज्जित सुविधा है। संपर्क करें फर्स्ट ब्रांच BMP 13 सोनकी रोड और सेकेंड ब्रांच भैरोपट्टी गन चौक दरभंगा। फैंसी स्टोर एंड बसीर बेल्ट बैग हाउस। यहां सभी प्रकार के बैग, बेल्ट, टोपी, चश्मा, घड़ी, लेडीज एंड जेंट्स पर्स, रुमाल, चाबी, रिंग होलसेल रेट में मिलती है। और यहां सभी तरह के गिफ्ट, कैरम बोर्ड, बैट बॉल एवं खेल संबंधित सारे सामान भी होलसेल रेट में मिलती है। पहला पता सुभाष चौक टावर दरभंगा, दूसरा पता नाका नंबर 5 नेशनल सिनेमा रोड दरभंगा। कॉन्टेक्ट करें 8709060573।